अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल है और जो है ना आज हम ये एक अपने एक दोस्त हाकिम मरी के फॉर्म पे आए हैं और इन्होंने ये फॉर्म जो है ना यहाँ पे फ़िल्टर प्लांट की तरफ बनाया है और ये इसका एंट्रेंस है। अभी हम इसमें दाखिल हो रहे हैं। ये फॉर्म का अंदर का व्यू है और ये दीवार इसकी और उसके साथ साथ ये दरख्त लगे हुए हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और ये जो है ना फॉर्म का ये इंटरनल पार्ट है। ये फॉर्म यहाँ से फॉर्म जो है सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को, ठीक है ना। ये सारा ये नीचे इसमें ग्रास लगी हुई है और ये इसके रूम के अंदर के जाने का रास्ता है। ये जो है ये अंदर बेडरूम है, ठीक है ना। ये सामने इसकी अलमारियां दी हुई हैं और ये सामने इसकी खिड़की, उसके साथ पर्दे वगैरह, ये अंदर इसके साथ जो है ये सामने अटैच बाथ है। और अभी हम आए थे हैं ये बैठक जो है ना, इसके साथ ही बैठक दी हुई है और ये इसमें सारा डेकोरेट किया हुआ है इसको। और ये इसका सामने दूसरे कमरे का दरवाज़ा है। तो ये हम कमरा देखते हैं इसमें भी, तो इसमें भी जो है ये बेड लगे हुए हैं, तैयार है बिल्कुल रिहाइश के लिए। और सामने एसी भी लगा हुआ है, लेकिन ये एसी जो है सोलर सिस्टम पर काम करता है। तो ये इसका बेडरूम का हिस्सा है, बेडरूम का कमरा है और बहुत ही अच्छा है। इसके साथ वो कोने में जो दी अलमारी के साथ साथ ये इसकी जो है वॉशरूम वगैरह है अटैच दिया हुआ है। अभी हम ये बाहर आ गए हैं और ये आपके सामने ये लॉन है और ये इसमें लाइटिंग का निज़ाम लगा हुआ और ये जो है ना इसका एरिया है। ये कम से कम 3000 स्क्वायर गज पे फॉर्म बना हुआ है और अभी ये इब्तदाई मराहल में है, मतलब कि अभी पूरा फुल फ्लेश फाइनल नहीं हुआ। तो ये बच्चों का तालाब है और ये इनके झूले वगैरह हैं खेलने कूदने के लिए और यहाँ से स्लिप मार के इसमें तालाब में भी नहाया जा सकता है, कूद सकते हैं। और ये जो है ना इन्होंने ये तालाब बनाया हुआ है बड़ों का और ये फुल कंप्लीट है इस वक्त। और सिर्फ इसमें जो है ना पानी भरने के बाद इसे इस्तेमाल किया जा सकता है आराम से। तो ये बड़ा अच्छा खूबसूरत जदीद अंदाज में बनाया हुआ है और आप देख सकते हैं कि अभी इसको उसके बाद कवर छत की तरफ से कवर किया जाएगा। अच्छा, तालाब के पीछे जो है ये बच्चों के झूले वूले भी लगे हुए हैं, अगर कोई फैमिली वगैरह यहाँ पे आती है तो जो है उनके एंटरटेनमेंट के लिए बच्चों के ये झूले वगैरह सब दिए हुए लाइन से तरतीब से और बड़े भी इससे एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अमूमन बच्चे ही इस्तेमाल करते हैं। ये सामने जो है ये बारबेक्यू है, तो यहाँ पे अभी इस पे तज़ीनो आराइश का काम जारी है और ये तकरीबन कंप्लीट ही है। पीछे इसका रूम है सामान वामान के लिए और ये सामने जो है बारबेक्यू बना हुआ है और ये इसकी दीवार है फार्म हाउस की सामने। ये पूरी इसकी बाउंड्री वॉल लगी हुई है, अच्छा खूबसूरत फार्म हाउस है, 1 एकड़ से थोड़ा कम है। और ये जो है इसका बैठक है फार्म हाउस के अंदर और यहाँ पे जो है कोई भी अपनी गैदरिंग कर सकता है और इसको जो है यहाँ पे तफरीह के मौके हासिल कर सकता है।
ये इसका एक विज़िट था, और ये आप देखें सामने इस तरफ से इसका व्यू फार्म हाउस का, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के हिसाब से बनाया है। सामने दूसरे फार्म हाउस के दरख्त नज़र आ रहे हैं, और ये आम तालाब है। तो ये फ़िल्टर प्लांट से नीचे की तरफ वाक़ है मरी फार्म के नाम से, और ये है हाकिम मरी साहब का ज़ाती जो है फार्म हाउस। आपसे रिक्वेस्ट है कि जनाब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें दूसरों से, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। शुक्रिया।